रीजन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना, एक्सेसिव कोल्ड रीजन ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज टुंड्रा रीजन। दिस इज फाउंड आइदर इन पोलर एरिया, यानी कि रीजन अराउंड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और एट हाइयर स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स। कहाँ पे? जहाँ पे, जहाँ से, जिस हाइट से हमारा स्नो लाइन शुरू होता है, ठीक है ना। हर कंट्री का स्नो लाइन जो है वो अलग अलग हाइट पर है। जैसे कि इंडिया में स्नो लाइन यानी कि वो हाइट जिसके ऊपर टेम्परेचर ऑलवेज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, इंडिया में वो है 4600 मीटर एबव सी लेवल। और इक्वेटर पर, मतलब सबसे ज़्यादा तो इक्वेटर में ही हाइट पर होगा स्नो लाइन, तो इक्वेटर में स्नो लाइन जो है वो आपका 5000 मीटर एबव सी लेवल पर पाया जाता है। तो द रीजन्स वेयर टेम्परेचर इज ऑलवेज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, वेयर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर कम्स अंडर कोल्ड सीजन, देयर वेजिटेशन मोस्टली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ मॉसेज, लीचेंस एंड अल्पाइन ग्रासलैंड्स ड्यू टू एक्सेसिव कोल्ड क्लाइमेट। सो शिविका, इज इट क्लियर टू यू? टुंड्रा रीजन यस मैम। चाहे पोलर एरिया में बहुत, वहाँ पे तो ग्राउंड लेवल पर ही टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, और इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल जोन में हाइट पर, तो हाइयर स्लोप्स ऑफ माउंटेन में मिलेगा, हाई अल्टीट्यूड में या फिर पोलर एरिया में। यस, नेक्स्ट क्वेश्चंस, और किसी का कोई क्वेश्चन? कोरेल्स, यस कोरेल्स, कोरल्स किसको कहते हैं? मानस राज, ठीक है, कोई बात नहीं, किसी चैप्टर का हो। कोरल्स होता है तुम्हारा बेसिकली, ये चूना का पत्थर होता है जो सी एनिमल्स का स्केलेटन होता है, समझ गए? जो भी सी के अंदर एक्वेटिक एनिमल्स पाए जाते हैं, वो अपने, खास करके शिप वगैरह देखे होंगे, सुने होंगे, उसके अंदर जो जीव होता है वो ना, जब तक जीवित रहता है अपने अंदर से एक लिक्विड एक्सक्रीट करता है, ठीक है ना, और उसके मरने के बाद वही लिक्विड जो है वो जब जम जम जाता है तो वो कहलाता है कोरल्स, मूंगा का चट्टान, शीप और ये सब जो होता है। यू नो दैट, कैन यू नेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रीफ? कहाँ पाया जाता है? विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ्स कहाँ मिलता है, कोई बताएगा हमको? इन क्लास 6 यू ऑल हैव स्टडीड इट, एंड दैट इज, यस मानस राज, वेरी गुड, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और क्या नाम से फेमस है मानस राज? इतना पता है तो आपको पता ही होगा, व्हाट इज द नेम गिवन टू दिस रीफ? यस, सो विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ जो है, मानस राज एब्सोल्युटली राइट बेटा, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, उसका ईस्टर्न कोस्ट से ऑफ द सी में, ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है। ये विश्व का सबसे बड़ा मूंगा का चट्टान कह सकते हो, ठीक है ना, और ये बनता है ड्यू टू एक्सक्रीशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम सी एनिमल्स ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, और वही डिपॉजिट होकर आपका बन जाता है रीफ, कोरल्स। और ये कई तरह का शेप एंड साइज का होता है। इंडिया में हमारा जो लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप है ना बेटा, वो दैट इज मेड अप ऑफ दैट कोरल रीफ्स। और यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप में जो कोरल रीफ्स है, मुंगा का जो चट्टान है, वो आपका हॉर्स शू शेप या रिंग शेप का है, ठीक है, जिसको कि रिंग शेप के रीफ को कोरल्स के नाम से पॉपुलरली जाना जाता है। सो जिसका भी ये क्वेश्चन था, इज इट क्लियर टू यू? समझ में आ गया? हाँ नहीं, यस, सी एनिमल्स से ही, शिप वगैरह देखते हो ना समुद्री एरिया में, शिप मतलब कि शंख, शिप, उसके अंदर मतलब शिप का साइज छोटा होता है, बढ़ता है कैसे, वही वो लिक्विड जो
एक्सक्रीट करता है ना उसकी वजह से। ठीक है मानस, इज इट क्लियर टू यू और नॉट? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड। ओके और किसी को कुछ पूछना है पूछे। तो मैं पूछती हूं अब फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। व्हाई व्हाई डज इंडिया हैव मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट? व्हाई डज इंडिया हैव मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट? व्हाई इंडियाज क्लाइमेट इज पॉपुलरली नोन एज मॉनसून टाइप? सो शो योर आंसर थ्रू चैट बॉक्स और ज्ञानेश्वर ऑफ 9A, टेल मी व्हाई इंडिया हैव मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। ज्ञानेश्वर ऑफ 9A और बाकी बच्चे चैट बॉक्स में अपना आंसर दें। यस मैम। हाँ व्हाई इंडियाज हैव मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट? व्हाई डज इंडिया इंडिया क्लाइमेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडियन क्लाइमेट। ठीक बोल रहा है। बाय द विंड्स व्हिच आर कॉल्ड मॉनसून विंड्स। हाँ तो इतना ही लिखेगा बेटा। मैम व्हेन दिस विंड्स ब्लो ओवर द वार्म ओशियन दे पिक अप मॉइस्चर फ्रॉम दिस ओशियंस एंड पिक अप मॉइस्चर एंड कॉज रेनफॉल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। हाँ तो लिखना क्या है, एक ही बच्चा चैट बॉक्स में दिया और ज्ञानेश्वर भी बताया। ज्ञानेश्वर सही है बेटा, सही डायरेक्शन में बोल रहे हो। शिविका यस। तो सबसे मेन फैक्ट क्या है, इंडियाज क्लाइमेट इज नोन एज मॉनसून टाइप बिकॉज मॉनसून विंड्स ग्रेटली इन्फ्लुएंस आवर क्लाइमेट एज इट्स अराइवल इज मार्क्ड बाय द बिगनिंग ऑफ रेनी सीजन इट्स डिपार्चर मार्क द बिगनिंग ऑफ विंटर सीजन। मीन्स दिस मॉनसून विंड्स विद देयर रिवर्सल इज कैरेक्टराइज्ड बाय सीजनल वेरिएशंस एंड ग्रेटली इन्फ्लुएंस आवर क्लाइमेट। ऐसे इतना ही लिखना है, इंडियन क्लाइमेट इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय मॉनसून विंड्स दैट कॉज सीजनल वेरिएशंस विथ इट्स अराइवल एंड डिपार्चर विथ चेंज इन इट्स डायरेक्शन इज मार्क्ड बाय चेंज इन इट्स सीजन। ठीक है ना, चेंज इन द सीजन ऑफ इंडिया इस तरीके से लिखोगे। ओके थैंक यू ज्ञानेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और किसी को इसमें कुछ प्रॉब्लम? व्हाई इंडिया हैज मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट? What are cut-offs of Oxbow Lake? Cut-off, Oxbow Lake पहले तुम बताओ, उसके बाद हम बताएंगे तुमको। तुमको पता है कि Oxbow Lake का फॉर्मेशन कहाँ होता है? मानस, मानस का क्वेश्चन है कि क्या है cut-offs of Oxbow Lake? Oxbow Lake का फॉर्मेशन मियांड्रिंग रिवर्स करता है। डू यू नो व्हाट इज मियांडर्स? मानस मियांडर्स किसको कहते हैं पता है तुमको? क्योंकि ऐसे कैसे जान पाओगे फिर। यस मानस कम ऑन फास्ट एनीवन, डू यू नो व्हाट इज मियांडर? हम ऑक्सबो लेक ही बताने जा रहे हैं। मैम व्हेन द रिवर इंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न टू फॉर्म लार्ज विंड नोन एज मियांडर्स। Twist and turns to form large. तुम्हारा सही था आंसर, थोड़ा सा और ये बताता और कोई भी? देखो meanders are the zigzag path created by river in its plain area. When river enters in plain, they are full up with loads. उसके पास रिवर के पास बहुत ज्यादा तुम्हारा क्या होता है, सेडिमेंट्स होता है और वो अपने रास्ते में, जब रिवर अपने प्लेन माउंटेन्स को
क्रॉस करके प्लेन एरिया में इंटर करती है. सोनाली अभी बोल रही हो, और एवरीवन को क्यों चैट इज जो चैटिंग्स होना चाहिए वो सिर्फ फॉर टीचर्स होना चाहिए. एवरीवन करके कोई नहीं देगा. तो व्हेन रिवर्स इंटर इन द प्लेन दे इरोडेड लार्ज अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स इन इट्स माउंटेनियस जोन ड्यूरिंग इट्स यूथ एज एंड ऑल दीज सेडिमेंट्स आर कैरिड बाय रिवर इन इट्स प्लेन एरिया एंड दे स्टार्ट डिपोजिटिंग दीज सेडिमेंट्स ऑन देयर वे एंड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स दे मेक जिगजैग पाथ. वो घूम जाता है. अभी यहाँ पे जमा किए मड या सिल्ट या सेडिमेंट्स तो ऊंचा हो गया तो फिर घूम के चला, फिर आगे जमा किया, फिर घूम गया. एंड इन दिस वे ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स इन द वे ऑफ द रिवर दे क्रिएट जिगजैग पाथ. घूम घूम कर सांप जैसे चलता है ना ऐसे ऐसे, हाँ वैसा वैसा घूम घूम कर चलता रिवर का रास्ता हो जाता है. और उसी समय अगर एक कोई ऐसा गड्ढा फॉर्मेशन हुआ जिसमें एक तरफ से पानी भर गया हो और दूसरे तरफ से सेडिमेंट उस पानी को उस गड्ढे को ब्लॉक कर दे तो वो जमा हुआ पानी का जो लेक है दैट केम टू बी नोन एज ऑक्सबो लेक. और ऑक्सबो लेक ये कट्स जो होता है रिवर का कट्स जो होता है वहीं पर क्रिएट होता है. समझ गए मानस? इरोजन डिपोजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन तीनों चलता रहता है मिडिल कोर्स में. और वैसे इरोजन मैक्सिमम होता है माउंटेनियस एरिया में और डिपोजिशन मैक्सिमम होता है कोस्टल एरिया में. लेकिन जो बीच का एरिया में जो लोड ज्यादा हो जाता है रिवर के पास कई सारी ट्रिब्यूटरीज मेन रिवर में मिल जाती है तो रास्ते में अपने लोड्स को डिपोजिट करना शुरू कर देती है और साथ साथ में कटिंग भी करती है. तो जो वो जिगजैग पाथ क्रिएट करती है उसी में से कोई एक गड्ढा जो है जब पानी से भर जाता है और दूसरी तरफ से सेडिमेंट से ब्लॉक हो जाता है तो उस वो लेक लाइक स्ट्रक्चर को शो करता है जिसको कि ऑक्सबो लेक के नाम से जानते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड. और किसी को कुछ पूछना है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. नेम द विंड दैट कॉज रेनफॉल इन मालाबार कोस्ट. विच विंड कॉजेज रेनफॉल एट मालाबार कोस्ट. फास्ट गिव योर आंसर फास्ट. विच विंड कॉजेज रेनफॉल एट मालाबार कोस्ट. सिर्फ हाँ ठीक है मानस करेक्ट है. नेक्स्ट एक ही बच्चा सिर्फ आलोक वर्मा बताओ. नेम द विंड आलोक वर्मा. वीडियो ओपन करो सामने आओ आलोक वर्मा. हाँ ठीक है वो विंड नहीं कहलाएगा. फिर समीक्षा एवरीवन में जब दे दोगे तो सारे आंसर देख लेंगे. चैट विथ होस्ट ओनली. ये ऑप्शन नहीं है तुम लोगों के पास क्या है? एवरीवन से बात करने नो मैम आप हाँ नो मैम आप शायद सेटिंग नहीं किए हैं. चैट विथ होस्ट नहीं है सिर्फ मैम एवरीवन आ जाता है. देखो आया तो सिमरन का सिर्फ मेरे लिए. शिविका भी कर रही है. एवरीवन कैसे आ जाएगा? मैम उस साइड ना पड़ता है एवरीवन और डायरेक्ट बाय होस्ट. अगर हम मान लो रिस्ट्रिक्ट नहीं भी किए हैं फिर भी यू आर रिक्वायर्ड टू चैट विथ होस्ट ओनली ताकि बाकी लोग तुम्हारे आंसर को ना देखें हम देखें और उसमें करेक्ट और रॉन्ग बता सके और सही ये कर सके. आलोक वर्मा कहाँ गया? आलोक वर्मा टेल मी द नेम ऑफ द विंड दैट कॉजेज रेनफॉल एट मलाबार कोस्ट. अगर आलोक वर्मा नहीं देंगे तो हम आपको रिमूव करेंगे. सामने आओ. नाउ नेम द विंड दैट कॉजेज रेनफॉल एट तमिलनाडु कोस्ट.
name the wind that causes rainfall at Tamil Nadu coast. मुबाशिरा वीडियो ऑन नहीं कर सकती है लेकिन आंसर रिप्लाई तो कर सकती है, क्लास अटेंड करने का क्या फायदा. हाँ ठीक है, इशिका इज गिवन राइट आंसर, मानस इज आल्सो गिवन राइट आंसर, आलोक वर्मा एकदम. हम इसको अभी चैट ये से स्नैप से ही हटवाते हैं अगर इसको कोई रिस्पॉन्ड नहीं करना है. सिमरन इज गिवन राइट आंसर. नाइन ए के ये जितेंद्र सर को बोलकर. रोहिणी इज गिवन राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेकिंग ऑफ मॉनसून. व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेकिंग ऑफ मॉनसून. ब्रेक्स इन मॉनसून नहीं पूछ रहे हैं, ब्रेकिंग ऑफ मॉनसून. यस ठीक है. ये तो भाई मानस बोला. और किसी को प्रत्युष शिविका नहीं 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 इशिका ये नहीं, हम पहले ही बोले आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द ब्रेक्स इन मॉनसून, आई एम आस्किंग व्हाट इज ब्रेकिंग ब्रस्टिंग फ्रस्टिंग ऑफ मॉनसून. क्या होता है, इट इज अराइवल ऑफ मॉइस्चर लेडन विंड एट फर्स्ट वीक ऑफ, नॉर्मली एट फर्स्ट वीक ऑफ जून, इन विच रेनफॉल स्टार्टेड एंड इंक्रीजेस एंड कंटिन्यूज फॉर सेवरल डेज, दैट मे बी दैट रेन मे अकर विथ थंडर एंड स्टॉर्म्स, दैट इज कॉल्ड ब्रेकिंग ऑफ मॉनसून. अराइवल ऑफ मॉइस्चर लेडन विंड्स in which rainfall started and increases continuously for several days and that may be characterized by thunder storms, this is called breaking of monsoon, that shows the beginning of rainy season. Sudden arrival of moisture laden wind normally at first week of June in which rain started and increases continuously for several days. ठीक है, rainfall started and increases continuously for several days. That may be characterized by thunder storms etc. These are known as breaking of monsoon. Is it clear to you all? Monsoon से first वर्षा जो होती है, first week of June, उसी को कहते हैं breaking of monsoon. इसका क्या characteristics है? इसमें जब रेनफॉल शुरू होता है तो ये रेनफॉल दैट कंटिन्यूज फॉर सेवरल डेज, एक साथ सात दिन आठ दिन लगातार होती है और बारिश का मात्रा जो है वो बढ़ता जाता है. ठीक है, और हो सकता है कि इसका फीचर्स में थंडर लाइटनिंग स्टॉर्म बिजली का कड़क गर्जना ये सब भी साथ में हो, दैट इज कॉल्ड ब्रेकिंग ऑफ मॉनसून. इज इट क्लियर और नॉट? Clear, ma'am. And breaks in monsoon kya hai? That is one of the characteristic features of monsoon wind. Monsoon is characterized by alternate wet and dry spells. When rain occurs over plain, that may be dry spell, dry in the mountainous catchment area. If rain occurs in mountainous catchment area, there may be dry season in plain area. So monsoon rain does not occur continuously, it has the tendency to take breaks within
their rainfall and it has alternate wet and dry spells. लगातार नहीं होता रहता है कि जून से स्टार्ट हुआ सितंबर तक होता रहा, पड़ता है फिर रुकता है, प्रेशर बेल्ट शिफ्ट करता है, तो जिधर लो प्रेशर होगा बारिश वहां होगी, फिर वो हाई प्रेशर में हो जाएगा तो फिर बारिश दूसरे जगह होगी, तो अभी बारिश है फिर एक सप्ताह नहीं है, फिर दो दिन बारिश है फिर चार दिन नहीं है, तो इस तरह से मॉनसून हैव द टेंडेंसी टू टेक ब्रेक्स, इट हैज अल्टरनेट वेट एंड ड्राई स्पेल्स, दिस इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ मॉनसून विंड, साउथ वेस्ट मॉनसून. इज इट क्लियर टू यू ऑल? आई बात समझ में? यस मैम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इंटीरियर पार्ट ऑफ राजस्थान, व्हाई पार्ट्स ऑफ राजस्थान एक्सपीरियंस एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस, व्हाई पार्ट्स ऑफ राजस्थान, यस ड्यू टू व्हाई राजस्थान एक्सपीरियंस एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस. दिस इज वन फैक्टर हर्ष, सही है, और इसके कारण सैंडी रीजन इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर फॉर एक्सट्रीम कंडीशन. और हाँ ठीक है, डेजर्ट एंड सैंडी रीजन, इसके अलावा भी कोई फैक्टर है शिविका? लेस रेनफॉल तो होगा ही, डेजर्ट इसीलिए है, ड्यू टू लो रेनफॉल द रीजन इज मेजर पार्ट ऑफ रीजन कम्स अंडर डेजर्ट. यस मानस राज, यस ऑल फैक्टर इज करेक्ट, एब्सोल्यूटली करेक्ट, मानस, क्लैपिंग फॉर मानस राज, सभी बात सही लिखा है. ड्यू टू देयर लोकेशन फार अवे फ्रॉम द सी, ड्यू टू वास्ट एक्सटेंट ऑफ सैंड एंड सैंड, and due to low rainfall, ठीक है, these area experience extremes of conditions. Climate of the state ranges from arid to, हाँ ठीक है, climate हमारा question था, why Rajasthan, parts of Rajasthan experience extreme climate, as it is located far away from the sea and is covered by vast extents of sand and sand. तो sand का क्या characteristics होता है? कि वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और बहुत जल्दी जल्दी ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से रेंज ऑफ टेम्परेचर ज्यादा होगा. जहां भी रेंज ऑफ टेम्परेचर ज्यादा होगा दैट मींस एरिया एक्सपीरियंस एक्सट्रीम कंडीशन. ओके नाउ गिव वन फैक्टर्स दैट हाउ जेट स्ट्रीम अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. व्हाट इज द रोल ऑफ जेट स्ट्रीम इन इंडियन क्लाइमेट? Briefly explain the role of jet stream in India's climate. Simran Sinha, bataogi how jet stream affects the climate of India? Yes, ma'am. How jet stream affects the climate of India? It is a speedy wind flowing from west to east in the upper layer of troposphere. Its speed is too high from the north. West to east, कि vertical air current है. Yes, ma'am. हाँ. आगे. Ma'am, its speed is too high. Ma'am, its speed is too high from general wind. हाँ. That's why it is known as jet stream. हाँ, Ishika, your answer is right. Simran, हम जो जानना चाहते हैं कि how jet stream affects the climate of India. अभी तक तो तुम व्हाट इज जेट स्ट्रीम को बता रही हो, माय क्वेश्चन इज हाउ इट अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. इशिका इज गिवन राइट आंसर इन चैट बॉक्स, इज गिवन राइट आंसर. हाँ ठीक है मानस राज, योर पॉइंट इज आल्सो करेक्ट. अभी अभी जेट स्ट्रीम के इन्फ्लुएंस में विंटर रेन हुआ था इंडिया में, हुआ था ना. जेट स्ट्रीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर bringing western disturbances in India and cause helpful in causing winter rainfall in northwestern part. In this way it affects the climate of India.
Stirling jet stream is responsible for tropical cyclones in India and affect the climate of India. In general, under the impact of jet stream, for about 8 to 10 days, the temperature may be decreases, precipitation may occur, hailstones, precipitation may occur in the form of hailstones, rains, etc. in both summer and winter season. In this way, it affects the climate of India. क्या हुआ? अरे तो बोल दीजिए ना ऊपर. Yes, do you have any question? Then ask. पूछा बेटा कि फिर से हम एक्सप्लेन यस मानस जेट स्ट्रीम इज द नेम गिवन टू वर्टिकल एयर करेंट दैट अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इन बोथ सीजन ड्यूरिंग विंटर सीजन विस्टरली जेट स्ट्रीम is responsible for bringing western disturbances to India, which cause rainfall in northwestern part and snowfall in western Himalaya. During summer season, India comes under the influence of Stirling jet stream, which is responsible for tropical cyclones in India. In this way, it affects the climate of India. Okay, so next question. Do you have any question? Then ask. अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछे. Simran, do you want to ask any question? No, ma'am. Now your next question is, what are climatic variables? Name climatic variables. Question इसी तरीके से आता है, इसका एक दूसरा नाम भी है, जल्दी बताओ. सब धीरे धीरे अपना लीव करता जा रहा है मीटिंग. What are climatic variables? ऑफ कर दूं तो दोनों नहीं. हाँ हाँ उसे हाँ ठीक. यस रोहिणी इज राइट. नेक्स्ट रोहिणी यू हैव गिवन राइट आंसर. सिमरन सिन्हा इज ऑल्सो राइट. So only two, Manas, Pratyus, what are climatic variables? Ganeshwar? Yes, Ishika yes, ma'am. Sharma is also right. What are climatic variables, Ganeshwar? ठीक है. ज्ञानेश्वर
why these are called what are climatic variables and why these are called climatic variables? Why elements of weather and climates are called climatic variables? Why elements of weather and climate are called climatic variables? उसको बंद कर दीजिए नहीं तो एयर ले लेगा खोल कर छोड़ दिया तो सॉरी मैम नहीं पता देखो एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट टेम्परेचर ह्यूमिडिटी प्रेसिपिटेशन एयर प्रेशर ऑल दीज आर विंड ऑल दीज आर नोन एज क्लाइमेटिक वेरिएबल्स और एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट दीज आर नोन एज क्लाइमेटिक वेरिएबल्स बिकॉज दे हैव देयर रोल इन मॉडिफाइंग द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस अब जैसे कि एक एलिमेंट्स है टेम्परेचर टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो क्या होगा एयर प्रेशर घटेगा एयर प्रेशर घटेगा दैट अट्रैक्ट द विंड फ्रॉम अदर एरिया दूसरी तरफ से विंड आएगा अगर ये विंड गर्म क्षेत्र से आता है तो वार्मिंग इन्फ्लुएंस देगा अगर ये विंड ओशनिक एरिया से आता है तो रेन कॉज करेगा तो देख रहे हैं ना कि कैसे इनके इफेक्ट में आपका क्लाइमेट में चेंजेस हो रहा है So these are called yes, ma'am. variables in climate because they are responsible for making changes in weather conditions. So it is known as climatic variables. These are responsible for making and modifying the climate of any place. ठीक है सबको सबको समझ में आया? Temperature, pressure, yes, ma'am. humidity, wind, etc. Now, any questions from your side? Do you have any questions? अभी तो बहुत सारा portion बाकी ही रह गया है. Your next question is how monsoon act as a unifying bond. Explain how monsoon act as a unifying bond. Give at least 2 points. How monsoon act as a unifying bond. हर्षिका हाउ मॉनसून एक्ट एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड यस कम ऑन फास्ट हाँ ठीक है रोहिणी नेक्स्ट ठीक है मानस नेक्स्ट ठीक है So monsoon act as a unifying bond by bringing rainy season for the whole nations. Whether rainfall is small in nature or very high in nature, it brings rainy season for the whole country. It provides water to set our agricultural calendar. It binds the whole nation into a single river valley unit. ठीक है इट कंट्रीब्यूट इन आवर फेस्टिवल्स एंड इकोनॉमिक कंडीशंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट सो इन दिस वे मॉनसून एक्ट एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड इट इज द मॉनसून विंड दैट प्रोवाइड वाटर टू रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया विच प्रमोट आवर इकोनॉमिक लाइफ ठीक है इंडियन फार्मर्स एगरली अवेट फॉर द अराइवल ऑफ मॉनसून फॉर
set their agricultural calendar in motion. So in this way, it causes seasonal variation for the whole nation. In this way, it affects the climate of India. It unifies the climate of whole nation and acts as a as an unifying bond. इसमें किसी को कुछ पूछना है?